अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के हवाले, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो आपके मुंतकली का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, इस सबको ऑनलाइन का, ये टोटल 15 मिनट का प्रोसेस है। 15 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस आपका मुकम्मल दे दिए। आपको 111, 1234, 777 या 786 लाइन में लगने से बच रहे हैं। वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही बहुत बड़ी कीमत है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अभी जो इस्लामाबाद में जो आपके एक्साइज़ वाले हैं, तो जो आपकी वफाक की हुकूमत है, उसने एक बड़ा अच्छा एक डिसीजन दिया है कि इस सारे प्रोसीजर को, जो आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो आपके मुंतकली का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, इस सबको ऑनलाइन कर दिया है मैंने। ठीक है, अब आप ये चीज़, ये सारा प्रोसेस, बजाय इसके कि आप एक्साइज के ऑफिस में जाते हैं, ईटीओ के ऑफिस में जाके आप लंबी लंबी कतारों में लगती हैं और 3-4 जगह पे आपको लाइन पे लगना पड़ता था और सारी चीज़ें, तो उससे बचने के लिए इन्होंने बड़ा एक जिद्दत इसके अंदर लाई है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, आईटी को यूज़ करते हुए, इस सारे प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। और सबसे अहम और हैरत अंगेज बात कि ये सारा प्रोसेस, इधर आप गाड़ी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, नई गाड़ी ली है, या आप गाड़ी को जो है उसकी मुंतकली, उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने नाम पे, गाड़ी परचेज़ की है आपने, तो ये टोटल 15 मिनट का प्रोसेस है। 15 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसके अंदर होगा ये कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करें। जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, नादरा ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है और नादरा ने फैसिलिटी दी है। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आप ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, तो एक इनकी जो टीम आएगी, उस टीम में एक बंदा नादरा का होगा और एक एक्साइज का होगा। ठीक है, ये दोनों बंदे आपके पास अपने जो आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके उस टाइम के मुताबिक आपके पास, आपके घर पे या जिस जो भी आप इनको लोकेशन बताएंगे, आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, किसी जगह मौजूद है, वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच कर सबसे पहले ये क्या करेंगे कि आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे। गाड़ी इंस्पेक्ट होगी, उसका इंजन, उसका चेसिस, एवरीथिंग उन्होंने चेक की। वो चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक हो गए, दोनों चीज़ें उसके मुताबिक वेरीफाई की। वेरीफाई होने के बाद आपका बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक करने के बाद सारा आपका जो चालान है, जो पैसे आपने इसकी जो फ़ी देनी है, वो आपका ई चालान वहीं पे आपको बताएंगे। इसके जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, वो आप उनको एट द स्पॉट पे करेंगे और वो सारी चीज़ों का वो प्रोसेस करके आपको एक प्रिंट आउट दे देंगे कि ये आपकी स्लिप है, गाड़ी आपकी रजिस्टर हो चुकी है, और सेम टाइम पे आपको नंबर प्लेट्स भी दे दी जाएंगी। और इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट के, जो जैसे आपको कोई नंबर चाहिए, एक फेवरेट नंबर चाहिए या आपकी चॉइस का नंबर चाहिए, वो ऑप्शन भी इसमें इन्होंने दे दिए। आपको 111, 1234, 777 या 786 या जो भी नंबर आप चाहते हैं, वो नंबर अगर अवेलेबल है, उसकी मौजूदगी पे है कि अगर उसकी अवेलेबिलिटी है, आप वो नंबर बुक करें। वो नंबर बुक करने पे जो उस नंबर के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो चार्जेस भी आपको बता दिए जाएंगे। वो चार्जेस आप पे करें, वो नंबर आपका बुक हो जाएगा, आपको वो नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, वो नंबर भी मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस उसके बाद आपके बायोमेट्रिक लेंगे। बायोमेट्रिक लेके ये सारी चीज़ें जब डन हो जाएंगी, आपको एक पेपर का प्रिंट आउट वहीं पर दे दिया जाएगा कि ये आपका जो प्रिंट आउट है, आपकी बुक अगर जब कार्ड बन जाएगा, तो बनने के बाद वो आपको घर पर डिलीवर भी हो जाएगा, डिलीवरी भी उसकी आपके एड्रेस पे आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ा शॉर्ट और बड़ा इजी प्रोसेस कर दिया है। बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बहुत एक पॉजिटिव, मतलब इसको मैं इसका समझता हूँ कि आप लाइन में लगने से बच रहे हैं। वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही बहुत बड़ी कीमत है, आपका वक्त बच रहा है। फिर आप जनाब वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, कई बार आप लाइन में नहीं, यार मेरा काम हो जाए, वहाँ पे कितने एजेंट खड़े हैं, उन सब एजेंट्स को आप पे करते हैं, वो पैसा आपका बच रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाती हैं, चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पैसा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा। तो ये वीडियो मैंने कहा कि मुझे जैसे ही ये चीज़ पता चली थी, मैंने कहा इसकी वीडियो बनाते हैं और अपने देखने वाले व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो मेरी पसंद आती है उसको लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली मेरे चैनल के ऊपर आप मज़ीद भी, अगर आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर इंफॉर्मेटिव लगती हैं या मेरे चैनल के कुछ मेरे वीलॉग्स हैं आपको पसंद आते हैं,
तो उनको आप अपने आगे ग्रुप्स में या कहीं पर ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ीद उसके ऊपर आप ट्रैफिक लेके आए ताकि मुझे भी इससे फ़ायदा हो और इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए कुछ बेनिफिशियल कुछ अच्छी चीज़ें इसके ऊपर ला सकूँ या आपको एंटरटेन कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल अली खक्का। थैंक्स।